महाराष्ट्र में चल रहे सियासी ड्रामे में एनसीपी ज्यादा कुछ बोलने से बचती ही नजर आई है। बहरहाल अब सामने आई जानकारी के मुताबिक राकांपा के प्रमुख शरद पवार ने गुरुवार को पार्टी के सभी विभागों और प्रकोष्ठों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। बुधवार को पार्टी के महासचिव प्रफुल्ल पटेल ट्वीट कर शरद पवार के इस फैसले की जानकारी दी है। प्रफुल्ल पटेल ने एक बयान में कहा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शरद पवार के अनुमोदन से राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस को छोड़कर एनसीपी के सभी विभाग और प्रकोष्ठ तत्काल प्रभाव से भंग किए जा रहे हैं। और गौरतलब है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार गिरे 3 हफ्ते बीत चुके हैं। ऐसे में इस फैसले के पीछे फिलहाल प्रफुल्ल पटेल ने कोई कारण नहीं बताया है। कहा यह जा रहा है कि पार्टी के ढांचे को पूर्ण गठित करने के मकसद से यह फैसला किया गया है। अटकलें ये भी है कि शिवसेना में टूट के चलते भी शरद पवार ने यह फैसला किया है। हालांकि प्रफुल्ल पटेल ने अपने एक और ट्वीट में यह भी कहा कि यह फैसला महाराष्ट्र पर लागू नहीं होता।